गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SPS ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की हिंदी रीडर की बुक राष्ट्रवाणी का पार्ट 8, कबड्डी का खेल। इसमें खेल के बारे में बताया है, दादाजी और पोते के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्रदीप, आज तुम पाठशाला क्यों नहीं गए, दादाजी ने पूछा। दादाजी ने कहा कि प्रदीप, आज तुम पाठशाला क्यों नहीं गए। हमारी पाठशाला में कबड्डी के खेल का आयोजन हुआ है, इसलिए आज हमें छुट्टी दे दी गई है, प्रदीप ने उत्तर दिया। जब दादाजी ने पूछा आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तो उसने कहा कि आज हमारे स्कूल में कबड्डी के खेल का आयोजन हुआ है, इसलिए आज हमें छुट्टी दे दी गई है। तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, प्रदीप दादाजी ने पूछा। दादाजी ने पूछा प्रदीप से कि तुम्हें कौन सा खेल पसंद है। प्रदीप बोला, मुझे क्रिकेट का मैच देखना पसंद है। खेल देखने में कोई बुराई नहीं, परंतु तुम्हें कोई ना कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए। बच्चे हो या बड़े, सबके लिए शारीरिक श्रम या खेल कूद जरूरी है। टीम बनाकर खेले जाने वाले खेलों से आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना बढ़ती है, दादाजी ने कहा। दादाजी ने कहा कि तुम्हें भी कोई ना कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए। खेल खेलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे हमारे शरीर का शारीरिक श्रम होता है और खेल कूद हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा दादाजी ने कहा। प्रदीप ने दादाजी से अनुरोध किया, दादाजी मुझे कबड्डी खेलना नहीं आता, आप मुझे इस खेल के बारे में बताइए, दादाजी ने कहा। प्रदीप ने दादाजी से अनुरोध किया। दादाजी ने कहा, सुनो, कबड्डी के खेल के लिए पहले तो खिलाड़ियों के दो दल बनाए जाते हैं। दोनों दलों के खिलाड़ियों की संख्या बराबर होती है। फिर मैदान में एक साथ एक मध्य रेखा खींची जाती है, उसके दोनों ओर वर्गाकार पाले बनाए जाते हैं, उनमें खिलाड़ियों के दल खड़े हो जाते हैं। इस तरह की व्यूह रचना के बाद एक पक्ष का खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी या तू 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 बोलता हुआ दूसरे पक्ष के पाले में घुसता है। वह अपनी सांस को तोड़े बिना उस पक्ष के किसी खिलाड़ी को छूने की कोशिश करता है। वह जिसे छू लेता है वह मरा हुआ अर्थात आउट समझ लिया जाता है। ये दादाजी ने पूरे खेल के बारे में प्रदीप को बताया। प्रदीप दादाजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। दादाजी ने अपनी बात आगे बढ़ाई, प्रदीप, दूसरे पक्ष के खिलाड़ी को छूना आसान नहीं होता। हमला करने वाले को पकड़कर उसकी सांस तोड़ने के लिए दूसरे पक्ष के खिलाड़ी तैयार रहते हैं। यदि दूसरे पाले वाले खिलाड़ी उसे पकड़ ले और मध्य रेखा को छूने से पहले ही उसकी सांस टूट जाए तो वह आउट माना जाता है, और यदि वह पकड़ा हुआ खिलाड़ी सांस तोड़े बिना मध्य रेखा को छू लेता है तो उसको पकड़ने वाले सब खिलाड़ी मरे हुए यानी आउट माने जाते हैं। दादाजी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि दूसरे पक्ष के खिलाड़ी को छूना भी आसान नहीं होता है। प्रदीप दादाजी की बातें बड़े मजे से सुन रहा था। उसने पूछा, खिलाड़ियों के जीने मरने के बारे में कुछ नियम भी होते होंगे, ये प्रदीप ने दादाजी से पूछा। दादाजी बोले, इसमें दो तरह के नियम होते हैं। एक तो यह है कि एक पक्ष के जितने खिलाड़ी आउट होते हैं दूसरे पक्ष के खिलाड़ी जी उठते या बढ़ जाते। यह खेल देर तक चलता है और इसमें हार जीत का फैसला जल्दी नहीं हो पाता। दूसरे नियम के अनुसार मरे हुए खिलाड़ी जी नहीं सकते हैं और ऐसा करने से खेल जल्दी समाप्त हो जाता है। ये दो नियम दादाजी ने प्रदीप को बताए। प्रदीप बोला, फिर तो बहुत मजेदार है यह खेल, और क्या खास बात है इस खेल में। दादाजी ने कहा, इस खेल में ईमानदारी भी रखनी पड़ती है। मान लो हमला करने वाले को उंगली भी दूसरे पाले के किसी खिलाड़ी को अगर छू गई तो अपने को मरा समझकर वह खिलाड़ी स्वयं दल से अलग हो जाता है। जिस पक्ष के सारे खिलाड़ी मर जाते हैं वह हार जाता है और दूसरा पक्ष विजयी। तो दादाजी ने बताया कि अगर एक पक्ष के खिलाड़ी की उंगली दूसरे पाले के किसी खिलाड़ी को छू जाती है तो वह अपने को मरा समझकर वह खिलाड़ी स्वयं दल से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की ईमानदारी हमें रखनी पड़ती है। प्रदीप कबड्डी के खेल के बारे में काफी सारी बातें जान चुका था। दादाजी ने कुछ और जानकारी दी। कबड्डी के खेल में काफी भाग दौड़ और पकड़ा पकड़ी होती है, इससे शरीर में शक्ति और फुर्ती आती है, ऐसा दादाजी ने प्रदीप से कहा। पुराने समय में अक्सर गांव के लोग ही इस खेल को खेला करते थे, लेकिन अब यह शहरों में भी कबड्डी की खास प्रतियोगिता रखी जाती है। स्कूलों और कॉलेजों में भी यह खेल खेला जाने लगा है। अब यह खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया है। एशियाई खेलों में भी इसे सम्मिलित किया गया है। भारत ने एशियाई खेलों की कबड्डी प्रतियोगिता में हर बार स्वर्ण पदक जीता है। कबड्डी के खेल के बारे में इतनी सारी बातें सुनकर प्रदीप ने कहा, दादाजी यह खेल तो बहुत अच्छा है, अब मैं भी कबड्डी खेला करूंगा।
पुराने शहर पुराने समय में क्या था कि गांव के लोग खेला करते थे अक्सर यह गेम, और यह खेल अब अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया है और इसे हमें इसे एशियाई खेलों में भी सम्मिलित कर लिया गया है। अब कबड्डी के बारे में प्रदीप को सारी बातें पता चल गई, तो उसने अपने दादाजी से कहा कि यह खेल तो बहुत अच्छा है और अब मैं यह खेल खेलूंगा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें शारीरिक श्रम करना चाहिए, खेल कूद करने चाहिए, जिससे शरीर में फुर्ती और तंदुरुस्ती बनी रहती है। सो बच्चों, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।